हेलो एवरीवन, दिस इज हरिंदर साहू फ्रॉम किंग रिसर्च। आप लोगों का स्वागत है किंग रिसर्च ईगल आई व्यू। कल की बात आज, यस, ये एक ऐसा यूनिक एपिसोड मैं मार्च 1 से स्टार्ट किया जो आज आप सब लोगों को बधाई देना चाहूँगा। 31 यानी कि आज 30 तारीख है, कल 31 तारीख के लिए हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कल लास्ट दिन होगा ये एक चैनल के लिए, यानी कि कल तक के लिए लास्ट दिन है एक चैनल के लिए। एक महीना होने वाला है गाइस और बहुत सारा प्यार मिल रहा है, 5-5, 8-8 हज़ार व्यूज़, लाइक, सब्सक्रिप्शन सब मिल रहा है इसके अंदर। बहुत आप लोग प्यार दे रहे हो, आप लोग का M2M मेरे को काम बोलता है ना, आप पैसा बना रहे हो और रिजल्ट आप M2M मेरे को शेयर कर रहे हो, उसके लिए धन्यवाद सर। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बात करूंगा एपिसोड नंबर 16, डेट 31st 2020, यानी कि आज हम बात करेंगे कल किन स्टॉक्स के ऊपर नज़र रखना है, ईगल आई व्यू रखना है और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं, राइट। तो आ जाइए, सबसे पहले मैं रिकैप करूंगा गाइस। अगर आपने मेरा कल एपिसोड नंबर 15 नहीं देखा है जो कल रात को डाला था, प्लीज़ जाके जरूर देख लेना। मेरे निफ्टी के बैंक निफ्टी के लेवल्स क्या दिए गए थे, स्टॉक से क्या लेवल्स गए थे, इतना पावरफुल है गाइस, खुद सोच के देखो। मैंने कल क्लियर कल अपना बताया था कि भैया सिर्फ सेल करने का सोचना, नो बाइंग एट ऑल। आज क्या हुआ, मॉर्निंग में 9:15 पे मार्केट खुला, गैप डाउन खुला, धीरे धीरे मार्केट में जो सेलर्स थे उनको पेन दिया, बायर्स को थोड़ी सी खुशी देने की कोशिश करी, थोड़ा थोड़ा ऊपर गया। एक एग्जैक्ट लेवल हमारी एक स्ट्रैटेजी है, गैप स्ट्रैटेजी है, वो गैप स्ट्रैटेजी के अंदर वो चीज़ आई और एग्जैक्ट हमने वहीं पे, हमने टॉप पे चीज़ ढूंढ के हमने ठोका। मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, वो मैं स्ट्रैटेजी सिखाता हूँ और वहीं से नॉन स्टॉप निफ्टी 300 पॉइंट्स। कल मैंने बोल दिया था कि बॉस हम सिर्फ सेल करने का सोचेंगे, रिजल्ट निफ्टी बैंक निफ्टी का आप लोगों के पास है, स्टॉक सिलेक्शन दिया, रिजल्ट आपके साथ है। मैं दोबारा बड़ा सा रिकैप नहीं करूँगा क्योंकि लंबा एपिसोड बन जाएगा, उस चीज़ के लिए प्लीज़ 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 एपिसोड नंबर 50 देखना ना भूलें, तभी आपको मेरा सीरीज समझ में आएगा, मैं क्या पावरफुल चीज़ देता हूँ आप लोगों के सामने, राइट। तो चलिए कम टू द पॉइंट, निफ्टी फ्यूचर्स की बात करूंगा। 8157-8070 इज माई सपोर्ट जोन, यस दिस इज वेरी वेरी पावरफुल लेवल। अगर इस लेवल पे आता है मैं सिर्फ बाई करने का सोचूंगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू सेल एट दिस लेवल, ओनली थिंक फॉर द बाई विद स्टॉप लॉस 8030। अब दूसरी बात करता हूं, अगर बाई चांस, ध्यान से समझना भाई, क्योंकि मेरे जो लेवल्स होते हैं वो टाइमिंग पे इंपॉर्टेंट है। मार्केट गैप अप खुलती है, गैप डाउन खुलती है, उस बेसिस पे मैं देता हूं लेवल्स, मेरे वो नहीं है जो दुनिया देती है। सॉरी बॉस, अगर आप मुझे क्लोजली फॉलो करते हैं आपको समझ में आते होंगे मेरे लेवल्स। 8470-8530 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा, यस इस लेवल पे आएगा तो मैं ठोकूंगा। इस लेवल पे आएगा 8470-8530, इस लेवल पे आएगा तो मैं सिर्फ आवर मंत्र ओनली ठोको, बट कंडीशन अप्लाई, दिमाग लगाना। अगर कल निफ्टी गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुलने के बाद नीचे ना जाके धीरे धीरे ऊपर आती है और इस लेवल पर मैं ठोकूंगा, अगर कल निफ्टी गैप अप खुलती है इस लेवल पर तो मैं ठोकूंगा, अगर निफ्टी फ्लैट खुलती है और नीचे नहीं आती है सिर्फ ऊपर जाती है तो मैं ठोकूंगा, अगर निफ्टी नीचे आके फिर ऊपर जाती है तो मैं थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। दिमाग लगाना, इफ बिफोर एनी फॉल निफ्टी राइजिंग अप और गैप अप एंड सेल ऑन राइज अवर फिलॉसफी विद स्टॉप लॉस 8570। याद है मेरे लेवल्स बहुत पावरफुल होते हैं, दिमाग में नहीं घुसेगा, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो भगा भगा के नहीं, पॉज करके पेपर में नोट करके रखना, कल समझ नहीं आएगा नहीं तो बार बार देखना, आएगा समझ में। मेरे कहने का अंदाज ही कुछ इस तरह है सर, जो समझदार को इशारा काफी और जो ना समझदार उसको टाइम लगेगा थोड़ा समझने में। चलिए बैंक निफ्टी फ्यूचर्स की बात करूंगा, लक्ष्मण रेखा 19256, यस लक्ष्य, बैंक निफ्टी में हमेशा ठोकने की बात कर रहा हूं, आज भी मैं यही बोलूंगा कि भैया कल ठोको, यस नॉट इंटरेस्टेड टू बाई, इफ इट विल कम अपसाइड डेफिनेटली विल थिंक फॉर द सेल ओनली, यस नाउ बिलो 18530 फ्रेश लेवल बता रहा हूं, 18530 के नीचे ठोको, टारगेट अप टू 18170-17930। और मेरे भाई एक और लेवल बता रहा हूँ, पोजिशनल ट्रेडर्स एक और लेवल बता रहा हूँ, मार्क माय वर्ड, बिलो 17760 मोर पैनिक ऑन कार्ड, बिलो 17760 मोर पैनिक ऑन कार्ड। अब मेरा पहला पावर स्टॉक सिलेक्शन की बात करूंगा, अशोक लेलैंड, यस हिस्ट्री विल रिपीट अगेन,
बार बार बोल रहा हूँ, हिस्ट्री विल रिपीट अगेन इन अशोक लेलैंड। यस, 43 इज अ वेरी 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 पावरफुल एंड क्रूशियल लेवल, डोंट पैनिक एट ऑल इन अशोक लेलैंड। वेरी बिग पॉजिटिव न्यूज विल कम आफ्टर लॉकडाउन, वन न्यूज ऑन कार्ड, ध्यान रखना मेरी बात। वंस क्रॉस 47, यानी कि अबव 47 यू कैन बाय एंड सिट रिलैक्स विल जूम टू किस 51 इन जस्ट 1 or 2 hours इन इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, और इसमें कुछ समथिंग कुकिंग बिग होने वाला है आफ्टर लॉकडाउन। सेकेंड स्टॉक सिलेक्शन, कैनरा बैंक की बात करूंगा, बिलो 90 नो बाइंग एट ऑल, ओनली 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 यस, वंस ब्रेक बिलो 87 देन विल स्लाइड अप टू 81.76, यानी कि 87 के नीचे ठोको, 81.76 का टारगेट आएगा। यस, ठोको बिलो 87। अगेन एक और चीज, बिग बिग नेगेटिव न्यूज विल कम ऑन दिस कार्ड, शायद इसका मर्जर होने वाला है, चार्ट सब बोलता है, सीखोगे तो जानोगे, नहीं तो 12 बजे तक मेरे ही वीडियो का वेट करोगे, क्योंकि सर कुछ दे दे, मेरे भाई मैं बैठा हूँ आप लोगों की हेल्प करने, बट इम्पॉर्टेंट इज खुद सीखो, खुद बनाओ ये लेवल, बहुत सिंपल है, सीखोगे तो समझ में आएगा। अजंता फार्मा, इफ अजंता फार्मा ब्रेक्स 1287 एंड स्टे बिलो दिस लेवल देन स्लाइड अप टू 1271 1265, यस योर स्टॉप लॉस शुड बी अ 1305। हिंडालको वेरी पावरफुल, वेरी वेरी पावरफुल, लक्ष्य आदित्य बिरला का है भाई हिंडालको, कितने लोगों को पता है आदित्य बिरला का हिंडालको है, दिमाग लगाओ। लोगों जो डालता हूँ ना, आपके दिमाग की बत्ती जलाने के लिए डालता हूँ कि भैया अवेयरनेस पैदा करो, कौन सा प्रोडक्ट किसका है, ब्रांड बिकता है। लक्ष्मण रेखा 93, यस, वंस क्रॉस दिस लेवल एंड स्टे अबव 93 विल जूम टू किस 97.101 विद स्टॉप लॉस 91 एंड 81। कोटेक बैंक भाई, अगर कल निफ्टी को चलना है कोटेक बैंक को चलना पड़ेगा, अगर कोटेक बैंक नहीं चला निफ्टी चल रहा है, ठोक दूंगा मैं, ध्यान देना। कोटेक बैंक एनी डिक्लाइन और पैनिक सेशन 1246 1227, आई विल ओनली थिंक फॉर बाय, यस नो इफ नो बट, कोई एक्सक्यूज दे दो, अगर कोटेक बैंक चला तभी बैंक निफ्टी चलेगा, बात खत्म। SRF की बात करता हूँ, यस दिस इज माय डार्लिंग स्टॉक, और जो पोजिशनल ट्रेडर है इस मार्केट में SIP करना चाहते हैं, स्टॉक सिलेक्शन एक पावरफुल है SRF को, इसको बाई करके चलो, हर 10% की 5% की गिरावट आती है तो हर थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी 2000 3000 4000 शेयर्स के इसके लेते रहो, इक्वल उसमें डिस्ट्रीब्यूट करके SIP सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसे होता है उसी तरह से इसको यूज़ करो, और देखो सर बहुत प्यारा रिजल्ट देने वाला है। कैच माई डार्लिंग स्टॉक फॉर इंट्राडे SRF विथ फैंसी नंबर, जो मेरा स्टॉप लॉस है 2727, अबव 2760 बाय एंड सिट रिलैक्स एंड गो लॉन्ग विल जूम टू किस फॉर इंट्राडे 2970 3030। लास्ट स्टॉक बट नॉट लीस्ट, वेयर यू कैन यू कम फर्स्ट, वेयर यू कम फर्स्ट, अगेन बोल रहा हूं, वेयर यू कम फर्स्ट, यस UBL, अवर लक्ष्मण रेखा 927, वंस क्रॉस देन छप्पड़ फाड़ने वाला तूफान विल कम, 967 982 ऑन कार्ड विद स्टॉप लॉस 905, यानी कि 927 के ऊपर बाई करो, टारगेट 967 982 का होगा विद स्टॉप लॉस 905 का। गाइस, अगर मेरी चीजें समझ में आ रही है और आपको हेल्प मिल रही हो, ठोको लाइक, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा डालो, और जो लोग गुमराह कर रहे हैं मार्केट में, कोई भी XYZ, उनके ग्रुप में, उनके हर जगह जाके YouTube चैनल पे जहां मन करे मेरा ये लिंक चिपका डालो, जिससे कि आप तो बन गए बेवकूफ, जो बाकी लोग हैं वो ना बने, जो फ्यूचर में बनने वाले हैं उनको सही प्लेटफॉर्म का समझ में आए, सही चीज़ दे पा रहा हूँ नहीं दे पा रहा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना हेल्प हो रही है, ठोको कमेंट सेक्शन में बताओ कि वाकई में हेल्प हो रही है, क्योंकि गाइस एक ही इंटेंशन है, किसी टिप्स वाले को पैसा नहीं देना है, किसी एडवाइजरी फर्म को पैसा नहीं देना है, खुद सीखो पैसा बनाओ। नहीं सीख पा रहे हो, मेरा टेलीग्राम को ज्वाइन करो, वहाँ पे मैं फ्री लाइव कॉस्ट देता हूँ, लेवल्स भी कुछ भी अपडेट होंगे वहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट देता हूँ, फ्री में पैसा कमाओ, सीखने का सोचो, बात खत्म। मेरे से नहीं, किसी से भी सीखो, बट सीखना जरूरी है, सीखना उससे जो खुद ट्रेड करता हूँ, नो हवाबाजी। मैंने आपको 8-8 स्ट्रैटेजी दी है, सब एक से बढ़कर एक है, किसी एक स्ट्रैटेजी को पकड़ लो, एक महीना प्रॉपर मनी मैनेजमेंट SRM स्ट्रैटेजी साथ उस पर फोकस कर लो, पैसा झक मार के आ जाएगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट न्यूज़, इंपॉर्टेंट सूचना, इंपॉर्टेंट पॉइंट,
जो भी मैं इस एपिसोड में आपको देता हूँ कैश के लेवल्स देता हूँ, ठीक है। निफ्टी फ्यूचर, बैंक निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल रहते हैं, बाकी जो भी स्टॉक्स हैं वो कैश के लेवल्स होते हैं। और जो भी जिसमें मैं स्टॉप लॉस नहीं देता, मेरे भाई 1.5 से 2% से ज़्यादा कैसल मार्केट में नहीं लेने का, नहीं लेने का बिंदा। ऐसा लेट बुक योर लॉस, मनी मैनेजमेंट रियूज करो, पैसा बना के ही छोड़ूंगा मैं, बात खत्म। ऐसा है, मैं सभी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, भाई ये जो लेवल्स दिए हैं दिमाग लगाओ, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करो, फिर ट्रेड करो, सीखो फिर ट्रेड करो, क्योंकि हो सकता है मैं कल ट्रेड करूँ इनके ऊपर, हो सकता है मैं अपने क्लाइंट्स को रिकमेंडेशन दूँ, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच, प्यार इसी तरह से देते रहिए। हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू गाइज, लव यू ऑल गाइज, थैंक यू।